वीरे की वेडिंग के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि गीत और वीर इज ऑल सेट टू रॉक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा की आने वाली फिल्म वीरे की वेडिंग, वीरे दी वेडिंग नहीं, वीरे की वेडिंग। बहुत कंफ्यूज हो गया ना ये नाम? हमें कंफ्यूजन नहीं है, हमें पता है हम वीरे की वेडिंग प्रमोट करने आए हैं, हमने बहुत काम करा है इस पे, तो हमें पता है। क्या कहेंगे, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा ना स्टार्टिंग में जब फिल्म, जब ट्रेलर एक्चुअली जब तक कंट्रोवर्सी शॉर्ट हुई तब तक हम बिजी थे शूट करने में, तो हमें पता भी नहीं चला कि क्या भसूड़ी चल रही है हमारे पीछे पीछे। बट या एट वन स्टेज वी ऑल्सो सजेस्टेड किया, वो लोग सीनियर्स हैं, आप दे दीजिए टाइटल उनको, हाउ डज इट मैटर, कॉल दिस गीत की वेडिंग, इट डजंट मैटर, बेनिफिट करेगा आप? नहीं देखिए, अगर कंट्रोवर्सी ही बेनिफिट करेगी देन फिर हम इतने करोड़ों रुपए डाल के हम प्रमोट क्यों करेंगे फिल्म को, यू नो, फिर हम सीधा हर फिल्म, एवरी फिल्म वुड बी माइनस द स्टोरी ओनली कॉन्ट्रोवर्सी। किसी को लगे ना लगे बट दिल्ली वालों को तो पसंद आने वाली है, कोशिश तो यही है हमारी। लेकिन यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि बिग वेडिंग भसूड़ी ऑफ द ईयर, व्हाई सो? इतनी भसूड़ी हुई ना पिक्चर बनाते वक्त, क्या क्या क्या, जैसे टाइटल तो हो ही गया, पहली भसूड़ी, पहली भसूड़ी नहीं, भसूड़ी इसलिए कि यू नो एक्चुअली अब वेडिंग जो होती है उसमें क्योस तो होता ही है, बिना क्योस के तो वेडिंग होती नहीं है, आपको पता है। मैं एक लड़के के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, उसको चाचियों को, मामियों को, मासियों को, सबको घर से लेके पार्लर तक लेके जाना है, वहाँ से रेडी करा के फिर टाइम पे लेके जाना है, और बीच में उसको यू नो नींबू सोडा भी सब अरेंज करना है, तो इट्स टू क्योटिक। फिर एंड में डिपेंड्स आप लड़के वालों की साइड से हो कि लड़की वालों की साइड से हो, फिर वो भी पूरी प्लानिंग होती है, आपको जूते छुपाने हैं कि लेने हैं, सो यू नो उसमें भी बहुत केओस होता है। अभी छुपा दिए तो फिर बड़े लोग बीच में आ जाते हैं, सब एजेड पीपल दे आर लाइक नहीं नहीं नहीं, उनके ना वो जीजा जी बुरा मान गए हैं, प्लीज आप जूते वापस कर दो। अरे कैसे वापस कर दें? सो यू नो इट्स ऑलवेज केओटिक, अ वेडिंग हैज टू बी केओटिक, नहीं तो उसमें कोई कहानी नहीं होगी बताने के लिए। लेकिन आप दोनों के लिए मुश्किल नहीं रहा होगा ना, क्योंकि दिल्ली में तो अक्सर ऐसी शादियां होती है और दिल्ली की शादियां भी इसलिए पॉपुलर है। आई थिंक तभी हमें कास्ट किया गया था, हमें बहुत प्रैक्टिस है दिल्ली की भसूड़ियों वाली शादियों को अटेंड करा है हमने, तो आई थिंक उस वजह से ही हमें कास्ट किया गया। अच्छा, होली भी क्योंकि आने वाली है, ऑन द सेम डे आपकी फिल्म भी रिलीज हो रही है, डबल डबल मतलब क्या धमाल मचा रहे हो, क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे 2 मार्च डू कम टू द थिएटर, होली खेल के आइए या बिना खेले आइए, भांग चढ़ा के आइए, मस्त एकदम आराम से मूवी देखिए, मस्ती कीजिए। भांग चढ़ा के आगे तो समझ जाएंगे मूवी, भांग वो बात नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ मेरा श्राप ये है कि अगर तुमने हमारी मूवी नहीं देखी तो तुम्हें भांग चढ़ेगी नहीं। अच्छा, एक और सवाल, बीच में आप वीर को कह रहे हो फोन पे कि तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप है, मतलब क्या इनकी गालियाँ दे नहीं सकते ना वैसे, गीत तो देने वालों में से वो दे नहीं सकती, सेंसर का बहुत इशू होता है ना हमारे यहाँ। अच्छा, तो गीत और कृति में कितना सिमिलैरिटी है? बहुत सिमिलैरिटी है, दोनों चाय चाय पैपे वाली लड़कियां हैं और दोनों ही बहुत ही बक करती हैं। ओह माय गॉड, बेचारा वीर बहुत परेशान है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों ने इसने झेला है मुझे। तो चलिए एक लास्ट हो जाए, एक लोगों से रिक्वेस्ट। जी जी जरूर, अपनी सुरीली आवाज में। 2 मार्च को आ रही है हमारी मूवी वीरे की वेडिंग, 2 मार्च, सो अपनी फैमिली के साथ आइए और अच्छी खासी होली खेल कर आइए, रंग बिरंगी मूवी देखिए, इट्स एक्सट्रीमली कलरफुल, तो आपको बहुत मजा आएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये थे वीरे की वेडिंग के स्टारकास्ट पुलकित और कृति, कैमरामैन संदीप के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।